दोस्तों, जब भी हम कोई ऐसी घटना देखते हैं जिसे हम बहुत ही गलत मानते हैं, तो हम इस बात को हमेशा कलयुग से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि घोर कलयुग है। कहीं पर कोई बेटा अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है या उन्हें मारता पीटता दिखाई देता है, तो हम यही कहते हैं घोर कलयुग है। कहीं पर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को फ्रिज में बंद कर देता है और उसकी जान ले लेता है, तब भी हम यही कहते हैं घोर कलयुग आ गया है। जब हम कोई ऐसी अनहोनी घटना देखते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है, भाई भाइयों के झगड़ों को देखते हैं, तो कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। लेकिन क्या है ये कलयुग और क्या हम इस कलयुग में जी रहे हैं? दोस्तों, कालखंड के चार चक्र हैं, या यूं कहें चार युग हैं, जिनमें सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और फिर आता है कलयुग, जिसमें हम लोग जी रहे हैं। इस कलयुग के बारे में कई तरह की भविष्यवाणियां इसके शुरुआत में की जा चुकी हैं, जैसे कि द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण ने जब पांडवों से आने वाले युग के बारे में पूछा कि कलयुग कैसा होगा, उसके लोग कैसे होंगे, तब भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में काफी कुछ उन्हें बताया था और उनकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश की थी। और महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को भी उन्होंने कलयुग के बारे में काफी हैरान करने वाली बातें बताई थी। भगवद गीता और कई पुराणों में कलयुग के बारे में काफी कुछ पढ़ने को मिलता है। कलयुग को सबसे श्रापित युग माना जाता है, क्योंकि इस युग का मनुष्य किसी जानवर से कम नहीं होगा। जानवर को तो फिर भी थोड़ी बहुत दया भाव रहती है, लेकिन जरा नजर डाली उन लोगों पर जो अपने ही सगे संबंधी को मार रहे हैं। और अब तो इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जो दशकों से आपसी झगड़े में उलझे हुए हैं और रोज रोज ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती हैं जिसे सुनकर कलेजा कांप जाता है। आज की इस वीडियो में हम घोर कलयुग के बारे में आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या कलयुग अपने चरम पर है या यह सिर्फ एक शुरुआत है। अभी तो कलयुग की मात्र शुरुआत ही हुई है और आगे इसमें जो होने वाला है वह आप कल्पना भी नहीं कर सकते। विष्णु पुराण की बात करें तो उसमें वर्णन मिलता है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत समय नजदीक आएगा, तब तक मनुष्य की आयु घटना आरंभ हो जाएगी और आखिर में ये 20 साल रह जाएगी। यानी जो मनुष्य आज 70, 80 या 100 साल तक जीता है, वह उस समय सिर्फ 20 साल में ही बूढ़ा होकर मर जाएगा। यानी तब लोगों के बाल कम उम्र में ही सफेद होने लगेंगे और पाप करने वालों की गिनती और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। हर जगह केवल चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगे। कलयुग में एक समय ऐसा भी आने वाला है जब पृथ्वी पर एक भी स्त्री ऐसी नहीं होगी जो अपने पति की इज्जत करेगी। स्त्रियों के दूसरे मर्दों से संबंध होंगे और वो केवल 8 से 10 वर्ष की उम्र में ही गर्भधारण करना आरंभ कर देंगी। स्त्रियां हमेशा क्रोध से भरी रहेंगी और अपना पेट पालेंगी। यहीं से होगी घोर कलयुग की शुरुआत, जब धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, आयु, बल और याद रखने की शक्ति में कमी आना आरंभ हो जाएगी। हर तरफ सूखा पड़ने लगेगा और बारिशें बंद हो जाएंगी। तब सूरज का तेज इतना होगा कि समुद्र और नदियां अपने आप सूखने लग जाएंगे, यानी समुद्र भाप बनकर उड़ने लग जाएंगे। लोग मौसम के बदलाव को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला, कभी आंधी चलेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी और कभी सूखा अकाल पड़ेगा। तब लोग पास के तालाब को ही तीर्थ मानना आरंभ कर देंगे और गंगा की महत्वता खत्म हो जाएगी। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे और न ही सत्य पात्र को उचित दान देंगे। भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी को बताया था कि एक समय कलयुग में ऐसा आएगा जब पुरुष स्त्रियों के अधीन हो जाएंगे और पत्नियां घर पर राज करेंगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाने वाली है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों को देखा जाए तो कलयुग को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो आज सच साबित हो रही हैं। सनातन धर्म और वेदों में चार युगों की मान्यता है और कहते हैं कि सतयुग में देवता किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्मों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में काफी कुछ बताया गया है। इसके बाद आया त्रेता युग, जिसमें भगवान श्रीराम ने जन्म लिया। इसके बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया। इस युग में कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची थी, उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान उन लीलाओं के माध्यम से कलयुग में जीवन जीने का पाठ लोगों को पढ़ा रहे थे। इसके बाद आता है हमारा कलयुग, जिसका कालखंड सबसे छोटा है। इसी कलयुग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो दुष्टों का संहार करके सतयुग का आरंभ करेंगे। विष्णु पुराण में बताया गया कि कलयुग में पाप इतना ज्यादा हो गया है कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। लोग जीवन भर की कमाई एक घर को बनाने में लगा देंगे,
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी कलयुग को ऋषि वेदव्यास ने सभी युगों में सबसे अच्छा भी बताया है, जबकि इसी कलयुग में सबसे ज्यादा पाप और अधर्म भी होता है। वेदव्यास जी ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणपति ने उनके आग्रह पर उनके वचनों को लिखित रूप में प्रकट किया है। वेदव्यास जिन्हें वेदों का रचनाकार माना जाता है, उनकी एक पौराणिक कथा के अनुसार उन्होंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ बताया है। ऋषि मुनियों से चर्चा करते हुए वेदव्यास जी ने कहा था कि कलयुग इसलिए सभी युगों में श्रेष्ठ है क्योंकि 10 साल में जितना तप और व्रत करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेतायुग में वही पुण्य 1 साल के तप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कलयुग में तो इतना पुण्य केवल 1 दिन के तप से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए व्रत और तप की प्राप्ति के लिए वेदव्यास जी ने कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। हालांकि इस कलयुग को सबसे श्रापित युग भी माना जाता है और कोई भी सतयुग का मनुष्य इस युग में जन्म लेने की सोचेगा भी नहीं। जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा तब जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा और अन्न की कमी के चलते मनुष्य एक बार फिर से कंदमूल और फल के सहारे रहना आरंभ कर देगा। लोग पूजा पाठ करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से मनुष्य की तुलना पापियों से की जाने लगेगी। जब घोर कलयुग आएगा तब मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा, संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा, संत जन दुखी होंगे और लोग धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना आरंभ कर देंगे, ऐसे धर्म को जिसमें लोगों को मारना काटना ही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। तब न तो कोई देवी देवता होंगे और न ही उनका आशीर्वाद रहेगा, यानी मनुष्य की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। इस घोर कलयुग में जिसके पास धन नहीं होगा उसे अधर्मी, अपवित्र और किसी काम का नहीं माना जाएगा, वहीं जिसके पास धन दौलत होगी उसे उतना ही गुणों से पूर्ण माना जाएगा, चाहे वो चरित्रहीन हो चाहे उसके पास किसी भी तरह का कोई भी गुण ना हो। उसके अच्छे कपड़ों की पहचान उसके पहनावे या फिर धन दौलत से की जाएगी। दौलत पाने के लिए मनुष्य दोस्त व रिश्तेदारों का खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेगा, उन्हें ठगना शुरू कर देगा, उनके घर में चोरियां करेगा। दोस्तों अभी घोर कलयुग आने में तो काफी ज्यादा समय है, लेकिन ये सब तो हमें आज ही देखने को मिल रहा है, जबकि कलयुग के अंत में तो अभी काफी ज्यादा समय बाकी है। तो जरा सोचिए, अभी दुनिया में इतना पाप हो रहा है तो आने वाले समय में वहां क्या हाल होने वाला है। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत आएगा तब ये धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी। इस धरती पर इतना पाप बढ़ जाएगा कि वो सहन करने योग्य नहीं होगा। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर इस धरती पर प्रकट होंगे और इसे पापियों से मुक्त कराएंगे। कई धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है। कहते हैं जब कलयुग समाप्त होगा और सतयुग का प्रारंभ होगा तब इस पृथ्वी पर लगातार 12 वर्ष तक मूसलाधार बारिश होगी, जिसकी वजह से पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जब बारिश रुकेगी तब एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे, जो जलमग्न हुई पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। इसके बाद ही इस संसार में फिर से जीवन पनपेगा। ये यूं कहे कि सूर्य का ताप 12 गुना ज्यादा होगा, पृथ्वी पर जमा जल को वाष्पित करेगा और उसके एक बार फिर से जल चक्र को नियंत्रण करेगा। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से ही हुई थी, अभी 2022 चल रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि 3103 जमा 2022 यानी 5124 वर्ष कलयुग का बीत चुका है। कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, इसमें 5124 को घटा देते हैं तो इतना यानी कि 4,26,878 वर्ष अभी कलयुग का बाकी है। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी, वेदों का पालन कोई नहीं करेगा, कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। जैसे कि आप सुनते हैं कई बार कुछ लोग कहते हुए सुना कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे, पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, वो माता पिता की उपेक्षा करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाहन करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। धर्म ग्रंथ के अनुसार कलयुग के अंत में हत्या, चोरी, बलात्कार, ब्लैकमेल सबसे ज्यादा होने वाले हैं, जिसके कारण ये धरती का रंग बदल जाएगा, क्योंकि उस समय इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे रहेंगे। उस समय इंसान का खून इस धरती पर बहता जाएगा। कलयुग के अंत के समय मनुष्य के मनोभाव की परिस्थितियां इतनी खराब होंगी कि एक पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान सकेंगे और न ही पुत्र अपने पिता को पहचान सकेंगे। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र श्राद्ध भी नहीं करेंगे, अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तक नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।
आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।